हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आज आपके सामने साइंस की कक्षा के लिए फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज से पहले दो वीडियो में हमने फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स की चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक्स था हमारा मात्रक और मापन, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। और उसके बाद हमने चर्चा की थी वेग, विस्थापन, चाल और दूरी के बारे में। ठीक है, इन चार चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी, जो भी आपके बेसिक का पार्ट है, और हमने अच्छे से इनमें अंतर समझा था। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको विस्थापन से के बाद वेग था अपना, यानी चाल और वेग एक ही बात है, ठीक है, अभी के लिए। बाकी मैंने आपको डिफरेंस उसके बीच में बता दिया था। इसी तरीके से वेग, चाल के बाद एक नया कंसेप्ट आता अपने पास, त्वरण, एक्सेलरेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका अगला कंसेप्ट है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, यानी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हम इस परिभाषा में एक वर्ड और जोड़ लें, एकांक समय में, तो यह परिभाषा आपके पूरे त्वरण की डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन करती है। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए आपका क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा वी, और समय आपका हो जाएगा डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और अगर हम एकांक समय यानी टी बराबर 1 सेकंड ले लेंगे, तो ए और डेल्टा वी दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, बराबर आ जाएंगे, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला होता है, वी अपॉन टी। इसको हम साधारण भाषा में ये भी लिख सकते हैं, ए बराबर वी अपॉन टी, यानी वेग बटा समय आपका क्या कहलाता है, त्वरण। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा आपके पास, वेग का मैंने पढ़ाया था आपको मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी चर्चा हमने व्युत्पन्न मात्रकों के समय की थी, और इसी तरीके से हम जो भी हमारा चैप्टर आता जाएगा उसके मात्रकों की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है मात्रक के संदर्भ में। तो ये हमारा वेग त्वरण हुआ। आपसे त्वरण पूछा जाए आप क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर आपके क्या कहलाता है, त्वरण है। तो ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो आपका ए का मात्रक क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का मात्रक आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, एक वस्तु का वेग टी बराबर 2 सेकंड पर, यानी समय आपको दे रखा है 2 सेकंड, चार मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, आपसे पूछा गया है एक वस्तु का वेग t बराबर 2 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया त्वरण क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा आपका, a होता है आपके पास v अपॉन t, v कितना है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड, t कितना आपके पास 2 सेकंड, तो आपके पास a कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ये आपका एग्जांपल हुआ बेसिक। देखिए रेलवे के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी बच्चा रेलवे एनटीपीसी यानी अभी जो आने वाली संभावित वैकेंसी है रेलवे एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल उसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बाकी एग्जाम्स में भी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो आप साइंस को सिलेबस के हिसाब से मत पढ़िए, जो मैं आपको लगातार मेरी वीडियोस में करूंगा आप उसको करते रहिए। एट द एंड ऑफ जब हमारी सारी वीडियोस खत्म हो जाएगी साइंस की, तो आपको खुद को बहुत अच्छे से ऐसा लगेगा कि मुझे पूरी साइंस आ गई, अब कोई भी सिलेबस आओ तो आप उसको अटैक कर सकते हो उसके ऊपर। तो बस हमें ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, एक वस्तु का वेग टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के मध्य दो मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। एक वस्तु का वेग टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के बीच 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना हमारे को, एक वस्तु का वेग, आप एक वस्तु की जगह ऐसे ही बोल सकते हो, एक कार ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लेते हैं एक कार का वेग। कार का वेग टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के बीच कितना हो गया, 2 से 4 में बदल गया। तो आपसे पूछा गया वस्तु का त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपके पास त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। अब आपको एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास रात को 4 रुपए थे, मेरे पास रात को कितने रुपए थे, 4 रुपए थे, जैसे ही मैं सुबह उठा पैसे कितने हो गए या रुपए कितने हो गए, 6 रुपए। लेट्स से मैजिक हो जाए, एक मैजिक हो जाए कि रात को 4 रुपए थे और सुबह उठते ही 6 रुपए हो गए। वो मान लो कोई रात को आपके 2 रुपए एक्स्ट्रा रख के चल जाए, तो आपको पूछा गया है आपके पास परिवर्तन कितना हो, कितने पैसे एक्स्ट्रा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा है, कितना परिवर्तन हुआ। तो आप क्या बोलोगे, भाई 6 में से 4 माइनस कर दो तो 2 रुपए ही तो हुआ आंसर, 2 रुपए ही तो एक्स्ट्रा आए। तो आपने किया क्या, देखिए 6 में से 4 माइनस किया, इसी को हम परिवर्तन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस परिवर्तन का, इस डेल्टा का मतलब ही परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, आपके पास वेग कहां से कहां तक गया, 2 से 4, तो आप क्या करोगे, 4 माइनस 2 अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही करेंगे हम, जैसे वहां पे 6 माइनस 4 किया वहां 4 माइनस 2 करेंगे। फिर समय में परिवर्तन, समय कितना होगा आपके पास, ये भी 4 माइनस 2 4 माइनस 2, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, 2/2 यानी 1। तो आपका एक्सेलरेशन आ कितना गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन आ गया। तो इस प्रकार के बेसिक प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए। तो अगर एक कार का वेग टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 4 सेकंड के बीच तक कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण यानी कार का आप क्या ज्ञात करो, त्वरण ज्ञात करो। तो कार का त्वरण आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। चलिए ये हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट पूरा हुआ।
अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारी नेक्स्ट चीज है गति के बारे में। गति क्या होती है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक कि गति क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? चलना, इधर से उधर दौड़ना, भागना, ये सब गति होती है। चलना भी गति है, दौड़ना भी गति है। तो इसी के आधार पे हम गति की तीन समीकरणें दी गई थी उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, फिर से बेसिक टॉपिक है, आपके 10वीं 9वीं कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, तो आपके हर एग्जाम के सिलेबस में जरूर मिलता है न्यूटन की गति के समीकरण या न्यूटन का पूरा बल के जो नियम होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गति के नियम के बारे में चर्चा करनी है हमें, गति के समीकरणों के बारे में चर्चा करनी है, गति के नियम हम बाद में पढ़ेंगे। तो गति के समीकरणों की चर्चा करने से पहले, आज तक आपने गति की समीकरणें पढ़ी होगी, लेकिन देखिए अब आपके एग्जाम्स टफर होते जा रहे हैं, तो आपको गति के समीकरण सबको याद है। तीन गति की समीकरण होती है, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ये सबको याद होती है, तीनों की तीनों इक्वेशंस। लेकिन हमें इसके पीछे की कहानी समझनी है कि ये किस किस पे लागू होती है और किस किस पे लागू नहीं होती। वो आपके एक क्वेश्चन बस बेसिक है, वो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी है और एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अभी हमने विस्थापन के बारे में चर्चा की थी, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ मैं आपको उतना ही पढ़ूंगा जितना आपके काम में आएगा। तो ये ग्राफ वैसे 11, 12 के लेवल के होते हैं, लेकिन आपके जो काम में आएंगे वो पढ़ेंगे हम, जो आपके 10वीं कक्षा के सिलेबस में भी और 9वीं कक्षा के सिलेबस में भी और आपके कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विस्थापन समय ग्राफ क्या हो गया आपके पास? विस्थापन मतलब होता है एक्स, मैंने बताया था आपको दूरी या विस्थापन को एक्स से शो करते हैं। समय हो गया टी। अब इसके बीच में कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं जो आपको एनालाइज करने होते हैं, और इन्हीं ग्राफ में से एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2006 या 2005 के शायद पेपर में पूछा गया था, मैं आपको कंफर्म करके जरूर बताऊंगा वो क्वेश्चन। तो इन्हीं में से एक ग्राफ पूछा गया था, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि ये ग्राफ्स के बारे में बिल्कुल इजी ग्राफ से आपको बस देखना ध्यान से। पहला ग्राफ आता है ये, एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल वेग या चाल की डेफिनेशन बताई थी x अपॉन t, यानी विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय। चाल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और या वेग की डेफिनेशन बताई थी आपको, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां मैं आपसे बोल रहा हूं कि x और t का ग्राफ, यानी विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, किसका फॉर्मूला है विस्थापन और समय? वेग का। तो ये ग्राफ भी किसको बताएगा? वेग को बताएगा। जिसका ये फॉर्मूला है उसी को ये बताएगा। तो ये वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय, तो ये इसी के ग्राफ को बताएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्राफ वेग के बारे में बताएगा? बिल्कुल, यानी वेलोसिटी के बारे में बताएगा, वेग के बारे में बताएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ का मतलब क्या है? देखिए, मैथमेटिक्स को रीड करना सीखिए, ग्राफ को रीड करना सीखो आप कैसे। इस ग्राफ का मतलब है कि समय बढ़ने के साथ साथ, समय जैसे इधर इधर जा रहा है, विस्थापन आपका इधर है और समय इधर है, तो विस्थापन के बढ़ने के साथ, समय के बढ़ने के साथ, वेग जो आ रहा है आपका इस तरीके से आ रहा है, यानी आपका वेग बढ़ रहा है। कैसे, क्या कर रहा है? वेग आपका बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, वेग बढ़ रहा है। लेकिन किस रूप में बढ़ रहा है आपका वेग? एक समान रूप में। देखो, कहीं भी आपके टूटा हुआ नहीं है ग्राफ, बिल्कुल सीधा का सीधा जा रहा है, कभी भी नीचे नहीं आ रहा, ना इधर आ रहा ना इधर जा रहा, बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये किसको प्रेजेंट करता है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है एक समान गति को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास? एक समान गति को। एक समान गति का मतलब ये होता है कि वेग आपका क्या है इस कंडीशन में? वेग आपका ग्रेटर देन जीरो, यानी वेग आपका क्या है? धनात्मक है। और वेग जब धनात्मक होगा आपका और इस प्रकार का ग्राफ होगा, तो आपकी कैसी गति होगी? एक समान गति। क्यों होगी? क्योंकि देखो, वेग बढ़ रहा है, बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है, तो वेग पॉजिटिव है और कहीं भी टूट रहा नहीं है ग्राफ, तो ये कैसी गति है आपके पास? एक समान गति।
चलिए तो ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये ग्राफ देखिए कैसी गति है, असमान गति, एक समान गति, कोई गति नहीं हो रही, फिर पूछा जाएगा वेग धनात्मक है, ऋणात्मक है, जीरो है, तो आपको रीड करना आना चाहिए। एक्स और टी के बीच ग्राफ किसका है, वेग का, और एक्स और टी किसके को बताता है, वेग को बताता है, क्योंकि वो फॉर्मूले में ही आता है। अब ये ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहा है तो वेग पॉजिटिव है, चलिए, और ये कैसी गति है, एक समान। अब मैं आपके सामने, ये आपका पहला नंबर का ग्राफ था, अब आपके सामने दूसरा ग्राफ बनाना चाहूंगा। वो विस्थापन और समय के बीच ग्राफ है, लेकिन इस बार जो आपका ग्राफ है वो इस प्रकार से है। अब इस प्रकार से ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स और टी विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ है वो किसको बताएगा, वेग को बताएगा, क्योंकि वेग के फॉर्मूले में ही आता है विस्थापन और समय। लेकिन ये जो वेग है, ये जो वेग वाली लाइन जा रही है, ये किसकी ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो आपका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा ये गति कैसी है, ये वस्तु कैसी गति कर रही है, ये वस्तु तो गति एक समान ही कर रही है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो कहीं भी ग्राफ टूट रहा नहीं है। अगर घट रहा है वेग तो भी एक ही रूप से घट रहा है, बढ़ रहा है तो एक रूप से बढ़ रहा था, उसी प्रकार घट रहा है तो भी एक ही रूप से घट रहा है आपका, कहीं भी टूट रहा नहीं है। तो ये कैसी गति है आपके पास, एक समान गति है। देखो यही क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके पेपर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए गति कैसी है, ये एक समान गति है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेग कैसा है इसके अंदर, यानी वेग है लेस देन जीरो, यानी ऋणात्मक, नेगेटिव। आगे क्या बात समझ में, तो आपकी गति तो एक समान है लेकिन वेग कैसा है, ऋणात्मक। चलिए अब आपको एक तीसरा ग्राफ बनाऊंगा जिससे आपके पूरे कंसेप्ट खुल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक्स, ये टी, अब ध्यान से देखिएगा x और ये t। अब ये ग्राफ क्या सीधी रेखा है, क्या, बिल्कुल नहीं। क्या गति आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो बताओ विस्थापन और समय का ग्राफ है, यहां देख लेना विस्थापन और समय किसको बताएगा, वेग को, क्योंकि फॉर्मूले में ये आता है, वेग के फॉर्मूले में। अब ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ टूट रहा है, देखो यहां से बढ़ रहा है, फिर ये घटना स्टार्ट हो गया, नीचे की ओर आएगा, ठीक है, यू यू आएगा, तो ये घटना स्टार्ट हो गया। तो आपसे पूछेगा गति एक समान है क्या, बिल्कुल नहीं। गति कैसी है आपके पास, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके पास गति कैसी है, असमान गति है। देखिए आपको अंतर समझ में आना चाहिए एक समान और असमान में, एक समान बिल्कुल सीधे यू, और असमान देख लो यू बिल्कुल कर्व। अब आपसे पूछा जाएगा वेग कैसा है इसके अंदर, धनात्मक है या ऋणात्मक, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहां तो आपका ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, लेकिन यहां घटता जा रहा है, भाई शुरू में तो बढ़ रहा है और यहां घट रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक है, हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यहां तो पॉजिटिव है लेकिन यहां नेगेटिव हो गया, तो हम वेग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये जो आपके क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार आता है, गति आपसे पूछेगा ये ग्राफ जो आपको कैसी गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, असमान गति को। आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पिछले ग्राफ जो था आपका वो एक समान गति का था, और ये जो ग्राफ है आपका कैसा गति का है, असमान गति का। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके पास, अब फोर्थ नंबर, एक्स और टी। अब आपके पास जो ग्राफ है वो ये है, जरा ध्यान से सोचिएगा ये क्या आपको दर्शा रहा है। इस बार ना लाइन इधर से स्टार्ट ही नहीं हुई, ना लाइन है ना कर्व है, आपसे पूछा गया है क्या है, तो ध्यान से देखिएगा ये एक्स और टी विस्थापन और समय है, तो हमें बिल्कुल दिमाग में क्वेश्चन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए वेग के बारे में बताएगा भाई, और किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं बताएगा। अगर आपका विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ है तो किसके बारे में बताएगा, वेग के बारे में ही बताएगा। लेकिन
क्या इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछेगा गति हो रही है क्या, कैसी गति है, एक समान असमान, दोनों ही नहीं है। इस ग्राफ का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर, यू। तो वस्तु किस अवस्था में है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, वस्तु स्थिर अवस्था में है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कभी टीवी वगैरह में, फिल्म्स वगैरह में आपने देखा होगा, जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है, आपने फिल्म में देखा होगा, वो मशीन के अंदर यू लाइनें चलती रहती है, जब तक उसकी हार्ट बीट चलती रहेगी ये यू इस प्रकार की लाइन्स आती है, यू इस प्रकार की लाइन्स आती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी हार्ट बीट खत्म हो जाती है यानी डेथ हो जाती है इंसान की, तो फिर वो मशीन किस प्रकार की लाइन शो करती है, इस प्रकार की, आपने देखा होगा ऐसी लाइन्स हार्ट बीट की। तो अगर हार्ट बीट चलती रहती है तो आपकी यू वाली लाइन्स आती है, और नहीं चलती आदमी की डेथ हो जाती है तो ये वाली लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये यानी किसको शो करती है, स्थिर अवस्था को शो करती है। इसका मतलब आपकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है, आपके हृदय ने गति करना बंद कर दिया होता है। तो उस समय हृदय के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, हृदय के विस्थापन और समय के बीच इस प्रकार का ग्राफ बनेगा आपके पास। तो यही आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए, क्योंकि स्थिर अवस्था है बिल्कुल, तो आपकी सीधी लाइन आएगी। तो आज इससे आप ध्यान रखना, स्थिर अवस्था का ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार का, बिल्कुल सीधी लाइन यू। तो ये आपकी स्थिर अवस्था का ग्राफ है। तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसके अंदर स्थिर अवस्था में। और वेग कितना होगा इस कंडीशन में? अरे जब वस्तु स्थिर है तो वेग कितना होगा? शून्य, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेग कितना होगा इस स्थिति में? शून्य होगा। तो वस्तु कैसी गति कर रही है? कोई गति नहीं कर रही, स्थिर अवस्था में है। और आपका वेग कितना है आपके पास? शून्य है। तो ये आपके काम में आएंगे। चलो, हमने चारों प्रकार के ग्राफ पढ़ लिए, एक समान गति, असमान गति, और आपके पास स्थिर अवस्था में हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से जहां तक मेरी याददाश्त है, इसी से क्वेश्चन आया था आपके रेलवे के पेपर में। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हमने एक्सटी ग्राफ पढ़ लिया। देखिए, जब इससे क्वेश्चन पूछा है एक्सटी ग्राफ से, यानी विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, तो अब जो भविष्य में आपके पेपर होंगे उसमें क्या पता वेग और समय के बीच ग्राफ पूछ ले, तो हमें वो भी थोड़ा सा ब्रीफली देख लेना है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इधर, कि वेग और समय के बीच ग्राफ, सबसे पहला हमें यह ध्यान रखना है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। बताया था मैंने अभी आपको, बताया था कि त्वरण का फॉर्मूला वेग बटा समय होता है। तो यानी मैंने पहला ग्राफ बनाया आपके पास v और t के बीच में, वेग और समय के बीच में। तो ये किसको बताएगा? ये त्वरण को बताएगा, क्योंकि त्वरण के फॉर्मूले में वेग और समय आता है। तो बस यही ध्यान रखना हमें, त्वरण के फॉर्मूले में वेग और समय आता है, तो ये इसका ग्राफ किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। अगर मैं आपको बोल दूं ये क्या शो करता है, सबसे पहला ग्राफ, जैसे हमने एक्स टी के लिए विस्थापन समय के लिए चर्चा की थी, उसी प्रकार वी टी के लिए चर्चा कर रहे हैं, ये किसको शो करता है, किसको बताता है? देखिए, सबसे पहले बताएगा त्वरण को, बताएगा त्वरण को बताएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कैसी गति है ये, कैसी गति है आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता करना है कि, हमें ये तो पता है कि v और t वेग और समय के बीच जो ग्राफ होता है वो त्वरण को बताता है। तो अब हम क्या करें, कैसी गति है ये? तो ध्यान से देखिएगा, गति तो आपके पास कैसी है? एक समान है, गति तो एक ही समान दिख रही है आपको, गति तो एक ही समान है। आपसे पूछेगा इसके अंदर त्वरण क्या है, त्वरण क्या है आपके पास? आपको त्वरण दिख रहा होगा धनात्मक है, धनात्मक त्वरण आपको दिख रहा होगा यहां से, कि ए पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं धनात्मक है। ये आपका त्वरण क्या है? धनात्मक। चलिए,
आपसे पूछेगा ये ग्राफ ये कैसा है, तो आपको पता है वी और टी यानी वेग और समय जिस ग्राफ में होता है वो किसको बताता है, त्वरण को बताता है। तो इस कंडीशन में आपका ए लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक है, ए क्या है आपके पास ऋणात्मक है, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो आपके पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए तो इस बार ये पूछे जा सकते हैं, एक्स और टी से पूछे गए तो इस बार वी और टी से पूछे जा सकते हैं। चलिए तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, हमने जो दोनों ग्राफ देखे अभी V और T के अंदर, उसमें त्वरण या तो एक समान रूप से बढ़ रहा था और या त्वरण एक समान रूप से घट रहा था। पहले ग्राफ में त्वरण बढ़ रहा था, दूसरे ग्राफ में त्वरण घट रहा था, और गति एक समान है, तो ऐसी गतियों को हम क्या बोलते हैं जिसमें त्वरण एक समान होता है या तो घटता है बढ़ता है, एक समान त्वरित गति। कैसी कैसी गतियां बोलते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना, आपके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समान त्वरित गति जिसके अंदर त्वरण आपका क्या होता है एक समान होता है, बिल्कुल एक समान होता है, या तो बढ़ता है या घटता है, ऐसी गतियों को हम क्या बोलते हैं एक समान त्वरित गति। तो इन्हीं एक समान त्वरित गतियों के लिए आपके जो गति की तीनों समीकरणें होती है वो लगती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप गति की तीनों समीकरणें पढ़ते हो न्यूटन की, वो किसके लिए लगती है, एक समान त्वरित गति के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूटन की जो गति की तीनों समीकरणें होती हैं वो कैसी गतियों के लिए लगती है, एक समान त्वरित गति के लिए। एक समान त्वरित गति का मतलब आप समझ गए, जिसमें त्वरण क्या हो एक समान हो, या तो बढ़ रहा हो एक समान या घट रहा हो एक समान। चलिए तो आपसे मैं आपको सबसे पहले अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, गति की तीनों समीकरणें, गति की गति के समीकरण। देखिए ये सिलेबस में आपके हर बार रहता है, रेलवे के सिलेबस में और एसएससी के सिलेबस में भी। तो ध्यान से देखिएगा, गति के समीकरण, पहली समीकरण आपकी होती है गति के समीकरण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन फॉर्मूलों में हम जो u काम में लेंगे वो आपका होगा प्रारंभिक वेग। क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग। v जो होगा आपका वो होगा अंतिम वेग। t जो होगा आपका वो होगा समय। और x जो होगा आपका, या मैं s से ले लेता हूं, s जो होगा आपका वो होगा आपके पास विस्थापन या दूरी। और a जो होगा आपके पास वो होगा आपके पास त्वरण। तो इनकी हम जिक्र करेंगे, इन चीजों की, इसका यूज में आएगा, तो आप ध्यान रखना ये जो मैं समीकरण लिखूंगा उसमें इन सब का मतलब ये होगा। चलिए तो इस आधार पर अब हम समीकरण लिखते हैं न्यूटन की, गति की समीकरण हमें सिर्फ याद रखनी है, डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो हमें वो करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला है आपका v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये आपकी गति के समीकरण होती है। जब आपको त्वरण पता हो, इन तीनों में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी तीन चीज पता हो और एक निकालनी हो तो हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। दूसरी आपकी है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, t समय है, और s क्या है आपके पास विस्थापन या दूरी। तीसरी समीकरण है आपके पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी तीसरी समीकरण है। इन तीनों समीकरणों को आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम में आएंगे, आपके इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों समीकरणों को हमें ध्यान रखना है।
अब ध्यान से देखिएगा इनका यूज में कैसे लेते हैं। ये आपके न्यूटन की तीनों समीकरणें हैं, ये आपके डेरिवेशन से आती है, लेकिन हमारे डेरिवेशन काम के है नहीं, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो बस हमें इन तीनों समीकरणों को याद रखना है। अब देखिए आपके सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है थ्योरी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों समीकरणें कैसी गति के लिए लगती है। तो अभी अभी मैंने आपको दो ग्राफ पढ़ाए थे, एक समान त्वरित गति वाले जिसमें त्वरण एक समान रूप से बढ़ता है और एक समान रूप से घटता है, या तो घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, लेकिन एक समान रूप से होना चाहिए। तो ये जो गति के तीनों समीकरणें होती है, नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गति की तीनों समीकरणें सिर्फ एक समान त्वरित गति के लिए लागू होती है। यानी गति की जो तीनों समीकरणें हैं वो आपके सिर्फ किस में लागू होती है, एक समान त्वरित गति के लिए। जो आपकी असमान त्वरित गति होगी उसके लिए लागू नहीं होगी। यानी जो आपके ऐसे वाले ग्राफ होंगे ना वी और टी के बीच में, ये वाले या ये वाले, इनके लिए आपकी गति के तीनों समीकरणें लागू नहीं होगी। सिर्फ जो सीधी रेखा वाले होंगे उन्हीं के लिए लागू होगी। ये हमें ध्यान रखना है। हाइंडसाइट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है गति की तीनों समीकरणें किस में लगती है, एक समान त्वरित गति के लिए। चलिए मैं आपको अब इन तीनों समीकरणों का यूज लेना सिखाता हूं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, किसी कार का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है। किसी कार का प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड है। कार 4 सेकंड में, कार 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। कार का त्वरण ज्ञात करें। अब देखिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखना है कि आपको दे क्या रखा है। तो आपको बोल रखा है किसी कार का प्रारंभिक वेग, मैंने बोला था प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाएंगे, U से। तो आपका U कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकंड, बस हमने लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे के पेपर में इस बार भी पूछे गए थे, CBT 2 के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ये। तो आपको ध्यान रखना है, चाल गति वाला चैप्टर आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में सिलेबस में दिया हुआ होगा, तो हमें अच्छे से पढ़ना है इसको। तो ध्यान से देखिएगा, यू कितना है आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड। देखो सेकेंड टाइम दे रखा है आपको 4 सेकेंड। अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है, तो अंतिम वेग क्या होता है आपके पास, वी। बस आप ऐसे लिख लो, ये कितना होता है 8 मीटर पर सेकंड, और आपसे पूछा क्या है, कार का त्वरण, यानी ए याद करना है। अब आपको वो तीनों समीकरण याद करो, ऐसी कौन सी समीकरण है उन तीनों में से जिसमें यू वी टी और ए आता है, यानी तीन चीज पूछी और एक, तीन चीज दे रखी और एक पूछी हो हमसे। तो हमारी गति की पहली समीकरण ही ऐसी है जो क्या कहती है आपको, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो आपको इससे ए का मान पता करना है, बाकी तीनों चीज दे रखी है, वी कितना दे रखा है 8, U कितना दे रखा है 4, और A कितना दे रखा है, A हमारे से पूछा है तो इसको आप A ही मान लो, T कितना दे रखा है 4, तो आपके पास ये कितना आ गया 8-4+4A, तो ये आपके पास आ गया 4 बराबर 4A, तो A बराबर कितना आ गया आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास त्वरण आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमें करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
इस तरीके के पूछे जाते हैं हमसे प्रश्न। अगर आपको तीनों समीकरण याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वेग चाल के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था त्वरण। त्वरण के बारे में हमने चर्चा करी, उसके बाद हमने चर्चा करी विस्थापन और समय ग्राफ के बीच में। देखिए, आपने आज तक ऐसे सिलेबस में आपने पढ़ा नहीं होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, हमसे इसीलिए प्रश्न नहीं हो पाते। आपके रेलवे के इस बार के सिलेबस में भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था चाल, वेग, दूरी, समय। तो अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स का टॉपिक था, आप चाल वेग करके जाओगे उससे काम नहीं चलेगा। हमारा जो काम चलेगा वो इस तरीके से, हम फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चाल वेग के कुछ एडवांस हमने करें तो वो ही आपको ध्यान रखना है। आपको जब तक चाल वेग के ग्राफ पता नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमने ग्राफ पढ़े थे चाल और समय के बीच में, उसके बाद हमने पढ़े ग्राफ त्वरण वेग और समय के बीच में, तो त्वरण को बताता है, और विस्थापन और समय के बीच ग्राफ किसको बताता है? चाल को बताता है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए, उसके बाद हमने न्यूटन की गति के समीकरण तीनों पढ़े, हमने वी बराबर यू प्लस एटी और इनकी चर्चा करी। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल कराया है, हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी इक्वेशंस के एग्जांपल्स करेंगे और इन इक्वेशन से बनी हुई दो तीन सब इक्वेशंस हैं जिनका यूज हम ट्रिक के रूप में करते हैं वो भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए शेष इतना ही, धन्यवाद।